नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और सबसे बड़ा मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को इंदौर में भी करारा झटका लगा है। इस दौर में लोकसभा चुनाव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इस घटना के बाद से अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बम ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद ये मान लिया जाए कि यहां भी एक तरह से केक वॉक मिल गया या फिर यहां भी बीजेपी निर्विरोध जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को इंदौर में भी करारा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इस घटना के बाद अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बम ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके बाद कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मोती सिंह पटेल का भी फॉर्म निरस्त हो गया। सोमवार सुबह अक्षय बम विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने आए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को शक है कि बम ने फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलती की। उन्होंने फॉर्म में स्वतंत्र उम्मीदवार लिखा था। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले ही बता दिया था कि इंदौर सीट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। इससे पहले दावा किया जा रहा है कि रविवार 28 अप्रैल को अक्षय बम चंदन नगर क्षेत्र में पहुंचे और वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। मुझे ऐसा लगता है उनके बहुत सारे पानी धंधा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने, क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात यह सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चीरहरण यह है कि सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो डराना धमकाना इंटिमिडेट करके लोगों के पर्चे वापसी करा रहा है, लोगों के प्रस्तावकों को डरा धमका रहा है। अगर ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है तो लोकतंत्र का चीरहरण और क्या होगा। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम प्राण घातक हमले के मामले में फंसे हुए हैं। जिला कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी है। अब तक प्रकरण में सिर्फ धारा 323, 506, 147, 148, 149 ही लगी थी। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांति बम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के लिए भी कहा है। इंदौर संसदीय सीट पर आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसे में अभी देखना होगा कि कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं, क्योंकि कई प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन भरा है। कांग्रेस के पास विकल्प की बात करें तो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वो अपना समर्थन दे सकते हैं। जैसे खजुराहो संसदीय सीट पर इंडी गठबंधन ने ये फैसला लिया था।